8,000 हैं, और जो 1.5 माह में मिलेगा उसका रेट अलग है, जो 15 दिन में मिलेगा उसका रेट अलग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है रहमान। तो आज सीन ये है कि गवर्नमेंट ही थोड़ा सा काम था मुझे। गवर्नमेंट का मतलब कि पासपोर्ट जो उनसे ना वो बनवाना था, फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बनवाना था। तो मैंने कहा कि चलते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कि वहाँ पर जलालत तो होनी है, ठीक है। तो आपको भी दिखाएंगे और साथ में आपको इंफॉर्मेशन भी हो जाएगी, अगर किसी को भाई को किसी को भी पासपोर्ट बनवाना हो तो अपने माइंड में रखेंगे यार जलील तो होना, ठीक है। तो वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि वाकई जलालत होती है या कि नहीं होती, ठीक है। तो पहले करते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद चलते हैं। पहले तो देखते हैं ना, पाकिस्तान में ज़्यादातर गैस भी नहीं होता, ठीक है। पहले वो चेक करते हैं, अगर हुआ तो नाश्ता करेंगे, अगर ना हुआ तो बस से करेंगे। जी वही हो गया जिसको डर था। ये देखो ऑन किया, खुल गया। अगर पासपोर्ट बनवाना है तो की हिसाब है? आईडी कार्ड असल है, आईडी कार्ड असल ही है। अगर पासपोर्ट बनाया पहले तो बना आप पहले बने हो ये कितने बजे का डेट एक्सपायर हो ही हो तो पासपोर्ट छुट्टी मंगल का वादा होगा, जो सोमवार को आगे सोमवार मिल जाएगा तो मंगल चौथे पंजवें दिन ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ 16,000 ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਟੋਟਲ ਸ਼ੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਘੱਲ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣਾ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। अगले की मर्जी है, पर रस्ता सीधा हमारा अपनी आदत है, काम कराना नहीं कराना तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पर जिसको देखो अपना रेट बता रहा है, ठीक है। 3 माह का जो है वो 7,000-8,000 है, और जो 1.5 माह में मिलेगा उसका रेट अलग है, जो 15 दिन में मिलेगा उसका रेट अलग है,
जो 10 दिन में पासपोर्ट बन के मिलेगा उसका रेट अलग है, और जो 5 दिन में मिलेगा उसका रेट अलग है। ठीक है, पैसे पहले दे के ज़्यादा, फिर भी इन्होंने बाद में कह देना है कि जी प्रिंट ख़राब हो गया या पीछे से वो पेपर मिलता है, वो पेपर नहीं है, और इसका जो नहीं है चमकीला जो पेपर उसके ऊपर लगा होता है, ये वाला जो ऊपर लगा होता है, वो भी कहते हैं जी वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, ये बात ये है पासपोर्ट की फीस जो सी है वो जमा हो गई है, अंदर गए हैं वो करवाने के लिए के नंबर लेने के लिए टोकन जो सा। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की थी कि साथ यहाँ पे ना फिक्स बनाऊँ वीडियो जो सी, ठीक है, तो इन्होंने बनाने नहीं दी। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे इस जगह, ठीक है, उन्होंने बनाने भी नहीं, उन्होंने कहा यार ऐसे सही नहीं है या अलाउ नहीं है, ठीक है, उन्होंने बोला, इसलिए मैंने फिर नहीं बनाई। तो अभी फीस जमा हो गई है पासपोर्ट की, वो अंदर गए हैं, अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइनें जो उनसे वो लगी हुई हैं, तो 16,200 रुपया फीस है, 10 दिन में मिल जाएगा पासपोर्ट, ठीक है, और 10 साल वाला जो सा, ठीक है, 10 साल उसकी डेट एक्सपायर नहीं होगी, ठीक है, वो वाला 16,200 में वो 2,000 रुपया इन्होंने दिया, ठीक है, टोटल हो गया 19,000 रुपया इन्होंने लिया वैसे, ठीक है। तो अभी जैसे आते हैं वैसे फिर उसके बाद मैंने अंदर जाना, अभी फ़ोटो बनानी है, फिर उसके बाद मुझे मिलेगा 10 दिन के बाद, ठीक है, और आगे जो होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा और गाइड करूंगा। जी अंदर इन्होंने लिखा हुआ था पास वीडियो और तस्वीरें बनाना मना है, ठीक है, इसलिए मैंने अंदर नहीं बनाई, क्योंकि बाहर भी मैंने बनाना लगा था तो वहाँ पे ना उन्होंने मोबाइल कहा था कि यार वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, अंदर उन्होंने लिखा था कि जुर्म है, मैं वीडियो आपके लिए बना रहा था लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यार यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है, फिर छुप के जो वीडियो बनाई मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी, ठीक है, और जो भी आया यहाँ पे, ठीक है, किसी को पैसे दें तकरीबन 2,000 रुपये लेते हैं, और मैं तकरीबन मुझे लग रहा 10:20 पे आया था और अभी 11 बज रहे हैं, ठीक है, और मैं फ्री भी हो गया हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने उनको पैसे दिए 2,000 रुपया दिया है, उन्होंने खुद ही स्टंप जो भी लगानी थी वो लगा के, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अंदर जाओ और फ़ोटो बनाओ, और वहाँ पे फिंगर देख मैं बाहर आ गया।